हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीसेट के, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीसेट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, और सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2019 तक क्वेश्चन को हम मेजर क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब 2020 का सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करवा रहे हैं, और अब टाइम बचा नहीं हुआ, पता है आप लोगों को, आज 20 तारीख है और 7-8 दिन और बचे हुए हैं। तो 2020-21-22 तीन साल के पेपर और बचे हुए, इन तीन साल के पेपर को हम छः पार्ट में, एक एक पार्ट में करवा के, दो दो पार्ट में, एक एक साल के पेपर को छः पार्ट में हम करवा के इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना हो सके इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। 2020-21-22 वाला जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा चेंज है पिछले और पेपर के पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। चलो आइए करते हैं 2020 के सीसेट पेपर का। तो इस पेपर में क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे छः, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास पैसेज है, ये छः क्वेश्चन क्या है पैसेज से हैं। तो छः क्वेश्चन पैसेज के होने के साथ यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर सेवन से। अब क्वेश्चन नंबर सेवन जो हमारा कह रहा है कि गुणनफल 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 × 60 में अंत में कितने शून्य होंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ पूछ रहा। ये क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में बताया है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने के लिए, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कब आएगा, जब मान लो 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तभी क्या होगा, जीरोज़ होगा, नंबर ऑफ़ जीरोज़ होगा। जैसे हमने कहा, क्या कहा कि एक से दस तक नंबर ऑफ़ जीरोज कितने होंगे, एक से दस तक नंबर ऑफ़ जीरोज कितने होंगे, क्योंकि एक दस ही में जीरो, ठीक है। अब अगर कह दिया जाए कि 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 में नंबर ऑफ़ जीरोज कितने होंगे, तो यहाँ पे 2 में देखेंगे तो 2 और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5, और 3 को, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 7 को 7 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, अभी हमने बताया है कि जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ बनते हैं वो 2 और 5 से बनते हैं मिलके, तो इस 2 और 5 में 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, तो 2 का पावर कितना लेंगे, 4, और 5 कितनी बार आया, 1, तो लिखेंगे 5 का पावर 1। अब 5 का पावर 1 का मतलब क्या है, किसी भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही जीरो आएगा, तो इसीलिए 5 का जितना पावर होगा, 5 का जितना पावर, क्योंकि 2 और 4 में देखेंगे तो सबसे कम कौन आता है, सबसे कम जो आएगा उसके जितने भी पावर होंगे वही उसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, इस क्वेश्चन को देखो अभी चुटकियों में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बड़ा आराम से इसको देखना है, आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेवन जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सेवन नंबर को, एक मिनट। सेवन को सॉल्व करते हैं, तो सेवन में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 मल्टीप्लाइड बाई 35, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 40 मल्टीप्लाइड बाई 45, 55, और कितना लिखा हुआ है 60, ये सारा पूरा कंडीशन दिया हुआ। अब इसमें देखते हैं ये क्या हो गया, चलो एक मिनट। हाँ, तो इसको हमने क्या किया, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5, 25 क्या लिख सकते हैं, 5 का
फाइव का स्क्वायर, 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 6 30, तो 5 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7, 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 5 9 जा तो 5 × 9 लिख सकते हैं, 5 10 जा 5 का स्क्वायर × 2, 5 इसको लिख सकते हैं 5 × 11, इसको लिख सकते हैं 12 5 60, तो 4 3 12, तो 5 × 5 × इसको लिखेंगे 5 × 3 × 2 का पावर 2। अब देखो 2 का पावर 2 कितने बार आया, 2 का पावर 2 कितने बार आया, यहाँ पे देखते हैं 2 का पावर 2 जो हमारे पास आया है कितने बार आया, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2, तो एक यहाँ पे कितना, 2 3 3 2 5, 5 6 6 2 8, 8 और 1 9, तो 2 का पावर 9, 2 का पावर 9, 2 का पावर 9, ठीक है, सही है ना, 2 यहाँ पे 3 3 3 6 6 7 7 2 9 9 1 10, 10 बार आया। 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 2 12 13 14, क्या लिखेंगे, 5 का पावर 14। अभी मैंने कहा जिसका पावर कम होगा वो इतने जीरो हो जाएंगे, तो 2 का पावर 10, तो कितना पावर लगा, 10, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ जीरो जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में आते हैं, 9 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर किस में, 9 में आते हैं, आगे आओ, अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई नहीं, तब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है। देखो अगर ये 3 का गुणांक नहीं है तो ये किससे विभाज्य नहीं होगा, ये तुम्हें बताना है, बताओ। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर सम वो 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब डिविजिबल नहीं है, तो कह रहा है इसका, इस जितने भी नंबर का इधर उधर आए, डिविजिबिलिटी रूल जब आप लोगों ने पढ़ा होता तो 3 वाले में क्या पढ़ा, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब मान लो यहाँ हमने लिखा 3 का डिविजिबिलिटी रूल, मान लो 2 3 7 लिया, 2 3 7, अब 2 3 7 में सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से डिवाइड है तो 2 + 3 + 7, 7 3 10 2 12, तो कितना आएगा, 12। अगर 12 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड, ये कह रहा है इसका 3 का गुणांक नहीं है, तब एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड ये किससे डिवाइड नहीं होगा, ये क्या 3 से नहीं होगा, ये 9 से नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। तो आंसर इज़ दैट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है ना। अगला देखो, 9 के बाद हम क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 आपको तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को क्लियर कट पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर पाओगे सब। और डिविजिबिलिटी रूल हर किसी को तो आना ही चाहिए, कम से कम 11 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी रूल 11 तक नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है,
आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि माना कि P, Q, R और S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो P माइनस 2016 इज इक्वल टू Q प्लस 2016 या R माइनस 2018 इज इक्वल टू S प्लस। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? देखो, इसमें क्या करना है कि एक एक लेना है। पहले लेना है P माइनस 2016 इज इक्वल टू Q प्लस 2017। क्या लेना है? ये लेना है। जब इसको हमने लिया पी माइनस क्यू वाला, पी माइनस क्यू एक एक को कर लो या ऐसे ही कर लो, एक मिनट, एवन इवन का ले लो, ऑड ऑड का ले लो, या एक ही से कोई कोई चीज़ें क्लियर कर लो। एक मिनट, थोड़ा सा बैक करते। 2016 पी इज इक्वल टू, अच्छा पी माइनस है, पी माइनस 2016, और पी माइनस 2016 को हम या क्या किसके वाले साथ ले लेते हैं? आर वाले के साथ ले लेते हैं, ठीक है, आर वाले के साथ इज इक्वल टू आर माइनस 2018। तो ये क्या हो जाएगा? P माइनस आर मतलब R माइनस पी कर लो, क्योंकि ये R माइनस पी करोगे तो ज़्यादा वाले में से R माइनस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2016 में से अगर 2018 निकल जाएगा तो कितना आएगा? 16 दो 18 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो R माइनस पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब R माइनस पी का मतलब क्या हो जाएगा कि R ग्रेटर हो जाएगा P से, पहला कंडीशन। इसी तरीके से हम करेंगे P माइनस 2016 से क्या लेंगे? S प्लस 2019 ले लेंगे, 2019 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? P माइनस S इज इक्वल टू 2019 में से 16 निकल जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आ जाएगा? 3 आएगा। नहीं नहीं प्लस हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस होके कितना आ जाएगा? ये एड करो, 9 6 15 कि 5 2 3 4035 आ जाएगा। तो P माइनस S का मतलब क्या है? यहाँ पे हो जाएगा P ग्रेटर देन S, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है ना, तभी P ग्रेटर देन S होगा। अब अगला हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसी में पेन चेंज कर ले रहे हैं, अगला इसी में हम लोग कर रहे हैं कि अगर R माइनस 2018 इज इक्वल टू हमने कर लिया Q प्लस 2017, ठीक है, Q प्लस 27 आ जाएगा। ये R माइनस Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर 17 में से ये चला जाएगा तो जुड़ जाएगा दोनों 18, तो कितना हो जाएगा? 4035, 8 7 15। तो यहाँ पे आगा R ग्रेटर देन Q, ये तीन कंडीशन। यहाँ पे R ग्रेटर देन P और R ग्रेटर देन Q, और यहाँ पे P ग्रेटर देन S। तो यहाँ पे R ग्रेटर देन जब P है और R ग्रेटर देन क्या है? R ग्रेटर देन P और R ग्रेटर देन क्या है? Q है, और P ग्रेटर देन क्या है? S है। तो इसमें सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमारा क्या होना आएगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी आएगी R। तो आंसर हमारा क्या होगा? R हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे मूव करो, ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, और क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये लिखा हुआ, पाँच अंकों की कितनी अघात संख्या अंकों 1 2 3 और 4 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए बनाए जा सकती है? कितनी संख्याएं बिना अंकों को रिपीटेशन बनाए जा सकती? ये क्वेश्चन लगाओ, ये क्वेश्चन अच्छा है।
तो लगाओ इसको, देखो देखो पांच अंकों की अभाज्य संख्याएं हमें बनानी है, तो हमें नंबर क्या लेना है, हमारे पास क्या है, एक दो तीन चार पाँच। अब इसमें इस सभी डिजिट का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो सभी डिजिट का सम करने के बाद कितना आएगा, सॉरी सम करो, तीन तीन छः चार दस पाँच पंद्रह, कितना आ जाएगा, अब पंद्रह, अब पंद्रह किससे डिवाइड है, थ्री से डिवाइड, थ्री फाइव जा फिफ्टी। अब ये पांच अंकों की जो डिजिट है ये किससे डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है। अब ये फाइव डिजिट का जब हम यूज करेंगे बिना नंबर को रिपीटेशन करने हुए, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तीन से डिवाइड होगा। इसीलिए फाइव डिजिट जो प्राइम नंबर है, फाइव डिजिट ये प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर को एक दो तीन चार पाँच को अगर प्राइम नंबर को यूज करके हम बनाएंगे, तो यहाँ पे बिना रिपीटेशन किए हुए, तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर बन सकते हैं, पांच अंकों की नंबर ऑफ, कितनी संख्या बिना रिपीटेशन के बनाई जा सकती हैं, जीरोस, कितनी बनाई जा सकती हैं, जीरो, शून्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा टेन का क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। तो टेन के बाद हम लोग आते हैं इलेवन पे, और क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है। क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो, देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर इलेवन वगैरह सम जो हमारा क्रॉस लिखा हुआ, इस क्रॉस के अंक को क्या दर्शाता है, इसका सम क्या आना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं एक बार, और इसको देखो कैसे क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में बाई ऑप्शन रख के देख लो अगर, ठीक है, बाई ऑप्शन रख के मान लो दो रख के देखते हो, दो प्लस वन, इसका जगह दो रख लो, प्लस आ जाएगा 52, प्लस डबल टू प्लस टू वन इज इक्वल टू वन डबल टू, आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो एक दो तीन, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात दो नौ, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा लग लो थ्री प्लस वन थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस द डबल थ्री प्लस थ्री वन इज इक्वल टू, देखो वन डबल थ्री आ रहा, एक तीन चार, चार तीन सात, सात तीन दस, तीन तेरह, आ तो रहा तीन। उसके बाद कितना आ रहा, तीन तीन छः, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह एक बारह, और एक कैरी आया था कितना, तेरह, तो ये क्या जाएगा, थ्री, ऑप्शन इज दैट थ्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, आसान था, इसमें कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, ट्वेल्व नंबर देखो, ट्वेल्व नंबर लगाओ सभी लोग, पढ़ो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है, यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं, तो आप कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं, कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं, अगर दो रॉड है और दो रॉडों से अगर मेजरमेंट करनी है, तो कम से कम कितनी लंबाई मेजर करेगी, ठीक है। चलो करो इसको, इसमें देखो दो आपके पास सीधी 7.5 फुट 3.25 फुट की छड़ है, तो एक रॉड, एक जो रॉड है उस रॉड की लेंथ कितना मान लो 7.5, दूसरी रॉड है ये मान लो ए बी, ये मान लो सी डी, तो कितनी है 3.25 फुट। अब ए बी को क्या कर लो, मतलब एक ऐसा नंबर से डिवाइड करो कि ये इससे कम ही आए, तो इसको मान लो चार से डिवाइड कर लो, और उसे डिवाइड कर लो कितने से, दो से डिवाइड कर लो। जब इसको चार से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको चार से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, चार एक में चार, और आ जाएगा तीन सात चार आठ बत्तीस, एट सेवन फाइव फीट आएगा। और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, टू वन जा टू, दो छक बारह, दो छः चौदह, दो पंचे दस, 1.675 फीट आएगा। अब कम से कम कितना लंबा मेजर करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा, 1.875 माइनस 1.675 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 675, ये 25, क्या है 25, ये भी क्या होगा 25, तो कम से कम कितना 75 है,
तो ये 1.875 माइनस 1.625 इज इक्वल टू कितना आएगा, 25। ये तो आएगा, अरे 5 माइनस 5 कितना आएगा, 0। 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5। और 8 माइनस 2 कितना आएगा, 25। तो 25 कितना आएगा, 0.25, मतलब 250। तो 250 इट मीन्स क्या हो गया, आंसर नंबर बी, मतलब कितनी सबसे छोटी लंबाई माप सकते हैं, 0.25। एक तो ऐसे कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है इसका, कम से कम लंबाई इसका SCF निकाल सकते हो, LCM निकाल सकते हो, LCM का तरीका है। लेकिन अब फ्रैक्शन में तो उसका LCM निकाल पाना तो निकाल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग रीड करो, देखो क्वेश्चन नंबर, अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया गया है, निम्नलिखित कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या होगी। ये तो बड़ा आसान है, ठीक है, कोशिश करो तो ये तो हो ही जाएगा। 14, 18, 20, 24, 30, 32, देखो कौन सी सीरीज को, पैटर्न को फॉलो किया गया है, जल्दी करो जल्दी, ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी लगाओ। देखो यहाँ पे 14 है, 18 है, 20 है, 24 है, 30 है, 32 है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी सीरीज फॉलो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 से 18 आने के लिए क्या, 14 से 18 आने के लिए 4 का प्लस किया गया है, ठीक है, 14 से 18 आने के लिए क्या प्लस किया गया है, 4। या ऐसा देख लो, इस पैटर्न को अगर ऐसे ना बनाओ तो इस पैटर्न को जो लिखा हुआ है, 13 से कोई चीज़ 14 हुआ है, एक प्लस हुआ है, और यहाँ पे 17 से कोई चीज़ 18 हुआ है, यहाँ से 19 से क्या हुआ है, 20 हुआ है, और यहाँ से 24 है तो 23 से हुआ है, 23 से, और ये कितना हुआ है, 29 से, और ये कितना हुआ है, 31। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये पैटर्न यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया ये गया है कि जो अनुक्रम दिया हुआ, प्रत्येक संख्या के सरल गणितीय संख्याओं के ई द्वारा एक अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो 13 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है। तो 31 के बाद कौन सा नंबर जोड़ देंगे, हैं बताओ, 31 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 33 प्राइम नहीं है, 34 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है, 36 प्राइम नहीं है, 37 प्राइम है, क्या है, 37। तो 37 प्राइम है तो 37 के ऊपर वाली संख्या क्या आ जाएगी, 38, क्या आ जाएगी, 38। तो आंसर इज़ दैट 38, आंसर इज़ दैट 38, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14, एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या एक से प्रारंभ करते हुए अंकित है, इस पुस्तिका के एक पन्ना फाड़ लिया जाता है तो बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 फटे हुए पन्ने पर, निम्न में से कौन सी संख्याएं हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इसी टाइप के सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है। अब इस टाइप के जब हम क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन सा, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है पन्ने के सामान्य रूप से पहले पन्ने की संख्या एक से आरंभ होती है, अंकित किया गया है, इस पुस्तिका में पन्ना फाड़ लिया जाता है, एक पन्ना फाड़ ले, बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग कितना है। तो पन्ना एक से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक होगा, उसका सम कितना आ रहा है, 195। तो सबको पता है सम इज इक्वल टू कितना होता है, प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना था, 195, और जिसमें से कितना पेज फाड़ लिया गया है, 195 है। अगर इस 195 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 नौ 18, 19, 2 करने में 2 390 390 पेज तो है, लेकिन जो पेज फाड़ दिया गया वो पेज को हम क्या मान ले रहे हैं, जेड या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, ठीक है, एक्स ही मान लो, एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1।
अच्छा ये 390 किस संख्या से आएगा? यहाँ पे अगर मान लो n की वैल्यू कितना मान ले रहे हैं, n की वैल्यू, अब यहाँ पे n की वैल्यू मानना पड़ेगा तुम्हें। n की वैल्यू तुम मान ले रहे हो 20, कितना मान ले रहे हो 20, और 20 मान ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 इंटू कितना हो जाएगा, मान लिया नंबर ऑफ पेजेस टोटल कितने थे 20, तो n इंटू कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 21, तो ये हो जाएगा 21, 21 दुना कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 21 दुना 42, 0 के बाद हो जाएगा 420, और ये आ जाएगा 390 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 420 माइनस 390, 420 में से अगर 90 चला जाएगा तो 12 माइनस 9 आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, ये x कितना आ गया, 30 आ गया। अब अगर ये 30 आ गया तो 30 का मतलब क्या है कि ये जो पन्ना फाड़ा गया उसको क्या करेंगे, दो पेज से डिवाइड करेंगे, तो ये भी डिवाइड करेंगे दो पेज, तो ये कितना आएगा, एक्स वाई टू, क्योंकि दो पेज है ना, तो इसका डिजिट कितना आएगा, ये 15 आएगा। अब 15 किस किस के जोड़ से आ जाएगा, क्या रहा होगा, 15 जो आया होगा वो 8 और 7, तो एक पेज पे क्या रहा होगा, यहाँ ऑप्शन देखेंगे किस, कुछ 6 5 11 आ जाएगा, 8 7 15 आ जाएगा, 9 10 19 आ जाएगा, 11 12 कितना आ जाएगा, 11 12 23 आ जाएगा। तो हमारा कौन से ऑप्शन से 15 आता जोड़ के, 8 7 15, ऑप्शन इज दैट बी, ऑप्शन इज दैट बी, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह पैटर्न हमने 15 नंबर वाला क्वेश्चन का पैटर्न हमने ए बी ए डैश ये हमने पैटर्न बनाया था, तो इसमें हमें लुप्त वर्ण बताना है कि हमारा जो गैप वाला है वो कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार करवाया है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार किया है, और इसको सभी लोगों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई, ठीक है। जल्दी करो, कौन सा आ रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ ए बी, ये पैटर्न फॉलो होगा, ए बी, उसके बाद अगला जो पैटर्न आएगा ए बी, उसके बाद आएगा सी बी, उसके बाद आएगा अगला पैटर्न आएगा सी डी, तीन तीन बार का पैटर्न बनना है, सी डी, उसके बाद क्या बनेगा, ई डी, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बैठ रहा, आंसर इज दैट, आंसर क्या बैठ रहा, सी बैठ रहा, ऑप्शन क्या हमारा बैठ रहा, सी, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 माना कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, और क्वेश्चन नंबर 16 माना कि A3 BC और DE 2F 2F 4 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, इसको पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग देखते हैं, दर्शाता यदि योग इतना है, A और D का योग के बीच, मानों के बीच का अंतर इतना है, तो A और D का अंतर क्या होगा। यहाँ पे देखो ये जो सम लिखा हुआ है, सम पहले करते हैं, लिखा हुआ है A3BC DE2F, कितना आया आंसर, 15902, ये तो हमारा आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है सी प्लस एफ का मतलब क्या है, 2 है, तो सी प्लस एफ का मतलब कितना, 12 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब बी कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे जब इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है, यूनिट प्लेस का हम सम देखते हुए चलेंगे और डिफरेंट वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट आया है, तो सी प्लस एफ का मतलब कितना आएगा, ये 12 है, सी प्लस एफ का वैल्यू क्या है, 12।
अब 12 की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 4 और 8 करके आया होगा जोड़ के, या तो 5 और 7 करके जो है पॉसिबल बना होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बी प्लस टू, क्योंकि बी प्लस टू इज इक्वल टू कितना, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। तो b की वैल्यू क्या, p प्लस इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी आई होगी, 7। तो यहाँ पे देखते हैं, अगेन हम देखते हैं b प्लस टू की वैल्यू, b प्लस टू की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, या ऐसे कर लेते हैं b की वैल्यू कितना आएगा, 10 माइनस 1 का मतलब 9, तो आ जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आएगी, 7। b की वैल्यू 7। ऐसे हम अगला देख लेते हैं, a प्लस डी, और a प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, 15। और a प्लस डी की वैल्यू जो 15 आई है, तो a की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 9 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो जब हम इन सबको देखते हैं तो c और f की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, c और f की वैल्यू हमारी पॉसिबल होगी 4 और 8। क्या होगी, 4 और 8। अब यहाँ पर हर एक डिजिट का हम क्या करते हैं, नंबर रखते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9, उसके बाद कितना रखेंगे, 3, 7, 4, उसके बाद 6, 5, 2, 8, सब वैल्यू रखो, उसके बाद ऐड करो, 8, 4, 12, 7, 2, 9 और 1, 10, 5, 3, 8 और 1, 9, 9, 6, 15। अब किस वैल्यू पे क्या था, a माइनस डी हमें पता करना था, a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी है, 9, और d की वैल्यू कितनी है हमारा, 6। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो आंसर इज दैट 3। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आओ, क्वेश्चन नंबर 17 की कोशिश करो, ट्राई करो 17 का। चलो देखो 17 को, 17 में लिखा हुआ, दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए, जिनके उपरांत एक प्रश्न है। कह रहा S1 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर दो से अधिक रेखाचित्र नहीं है, S2 में प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखाचित्र है, प्रश्न पर इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखाचित्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें हमसे बोल रहा है क्या कि दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए उपरांत में एक प्रश्न दिया हुआ, उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो S1 और S2 से हमें देखते हैं क्या मिलता है, S1 और S2 से हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी पृष्ठ पर दो से अधिक रेखाचित्र नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फिगर ऑन इस पेज दो से अधिक नहीं है, मतलब क्या होगा, एक से क्या होगा कम नंबर ऑफ फिगर, या लेस देन इक्वल टू, या क्या आ जाएगा, 2। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसीलिए क्या होगा, 51 यहाँ पे कह रहा है उससे अधिक नहीं है, 51 लेस देन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिगर इन 51 पेज कितना आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू 102, क्योंकि 54 गुना कितना आएगा, 102, तो उसके इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एग्जैक्टली वही नंबर हमारे पास नहीं, 51 कि जो दोनों स्टेटमेंट से हम इसको क्या कर सके, क्लेरिफाई कर सके। तो S1 और दोनों कथन S1 और S2 प्रश्न देने के उत्तर के लिए पर्याप्त है, किंतु ना तो केवल अकेला S1 और ना ही अकेला S2 पर्याप्त देने के लिए नहीं, अकेला S1 प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, S1 और S2 एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, आंसर इज दैट हमारा, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड का दोनों को हम करेंगे इंक्लूड करते हैं, तो इन दोनों को यूज करके हम आंसर अभी भी हम क्लियर नहीं दे सकते। ठीक है, आंसर इज दैट हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो 17 नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला आते हैं 17 के बाद 18 नंबर आता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। लड़कियां जो हैं अंग्रेजी में माध प्राप्तांक 9 है, हिंदी में प्राप्तांक 8 है, लड़के जो है 8 और 7, कुल माध प्राप्तांक कितना है, इतना है। तो उपयुक्त सारणी में एक्स का मान कितना होगा, उपयुक्त सारणी में एक्स का मान पूछ रहा है, लगाओ इसको, बड़ा आसान क्वेश्चन। देखो इसमें जो कह रहा है, अंग्रेजी में माध प्राप्तांक कितना दिया हुआ है, लड़कियों का 9
अब मान लेते हैं गर्ल्स और बॉयज़, मान लेते हैं ये अलग अलग संख्या, गर्ल्स को, गर्ल को एक्स और बॉयज़ को वाई मान लेते हैं। अब जब वाई मान लेते हैं तो लड़कियां कितना, 9 मात्र प्राप्त अंक है, तो कितना हो जाएगा 9x प्लस कितना हो जाएगा 8y इज इक्वल टू, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज कितना है 8.8 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा x प्लस वाई। जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.8, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.2, x इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा, तो 0. कितना आ जाएगा 8y, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 1 2 2 4 जाए, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू कितना आएगा 4y। जब x इज इक्वल टू 4y आया, ऐसे अगेन हम हिंदी का करेंगे, क्या करेंगे हिंदी वाला, तो जब हिंदी वाला हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 8x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना आएगा x इंटू, अच्छा x ये भी है, इसको x मान के कुछ और मान लेते हैं, m और मान लेते हैं, क्योंकि x मान लिया ना, तो m इंटू कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो m इंटू x प्लस वाई यहाँ पे आ गया। अब सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू दी हुई, x की वैल्यू कितना दे 4y, ये वैल्यू ला के इसमें रख दो, तो इसमें ला के रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का जगह 4 तो 8 4 32, 32y प्लस 7y इज इक्वल टू, ये m लिखा हुआ है, और x का जगह पर देंगे 4y प्लस y, तो 32 7 कितना हो जाएगा 39, 39y इज इक्वल टू m, और 4 1 5 इंटू 5y कितना आ जाएगा 5y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39/5, तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो 7.8 आंसर, आंसर कितना आ जाएगा 7.8। ठीक है, 2020 से क्वेश्चन का पैटर्न जो है चेंज है, 19-20 से क्वेश्चन, और धीरे धीरे 21-22 में आ जाएंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न और चेंज हो जाता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 18 नंबर के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, एक परिवार के दो पीढ़ियों के 6 सदस्य PQRS2 के 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित सहोदर हैं, U और P की पुत्री है और Q और R की सास है, तो P अविवाहित पुरुष है, यस पुरुष है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, लगाओ इस क्वेश्चन को। तो देखो इसको क्या है, एक फैमिली में 2 जनरेशन ऑफ द कंसेंसस 6 मेंबर हैं, 3 मेल्स और 3 फीमेल्स हैं, 2 मैरिड कपल हैं, 2 अनमैरिड सिबलिंग हैं, ई इज़ द पी डॉटर्स, क्यू इज़ द आर मदर इज द, टी इज़ द अनमैरिड एंड द एस इज़ द मेल, हुई इज़ द फॉलोइंग द करेक्ट। अब इसमें देखते हैं करेक्ट आंसर हमने पूछा है, सपोज कर लेते हैं क्यू क्या है, मेल और फीमेल को कनेक्ट कर लेते हैं, ये मेल और ये क्या है क्यू और पी, सपोज आर और एस जो है इसको सपोज कर लें, सपोज ये नेगेटिव, टी को प्लस मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस मेल को और नेगेटिव फीमेल को। अब 6 फैमिली हैं, 6 फैमिली में क्या 3 मेल हो गए, क्या हो गए 6 में 3 मेल और 3 क्या हो गए फीमेल हो गए। अब मेल फीमेल से क्या होगा कि आर क्या है यू का हस्बैंड है, आर क्या है यू का हस्बैंड है, आर इज यू, आर जो है यू का अगर हस्बैंड मान ले रहे हैं तो नंबर ऑफ द मेल नंबर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, मेल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस वाला 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और आर यू का हस्बैंड मान ले रहे हैं
तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, चार हो जाएंगे। तो यहाँ पे टी एस आर पी ये सब मेल हो जाएंगे। अगर आर को हम फीमेल मान ले रहे हैं तो क्यू उनकी क्या हो जाएगा, डॉटर लीला हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्यू अगर वाइफ है पी की, अगर क्यू को अगर हम क्या मान ले रहे हैं, पी की वाइफ मान ले रहे हैं, ठीक है, तो टी क्या होगा, अनमैरिड होगा। टी इज़ अनमैरिड ब्रदर ऑफ पी, और यू होगा अनमैरिड ऑफ, अनमैरिड सिस्टर ऑफ एस, अनमैरिड सिस्टर ऑफ एस। तो यू जो हो जाएगा अनमैरिड सिस्टर ऑफ एस। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर इज 19 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग जाते हैं 20 में। अच्छा इंग्लिश में हो गया 20, चलो देखो 20 में देखते हैं। यदि किसी विशेष वर्ष के 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जब 12 जनवरी को हम लोग रविवार मनाते हैं तो कौन सा सही है? ये तो हमसे कह रहा है किसी विशेष दिन पे 12 जनवरी को रविवार है, तो 12 जनवरी से 12 जुलाई तक अगर लीप ईयर देखेंगे तो 12 जनवरी से 12 जुलाई तक अगर हम देखेंगे तो ये लीप ईयर, और लीप ईयर पता है सबको कितना दिन होता है, 366 दिन। 12 जनवरी से 12 जुलाई तक देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 19 प्लस 29 दिन फरवरी, लीप ईयर देख रहे हैं ना, 31 अगला मंथ आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, प्लस 30 एक मिनट, 31 प्लस आ जाएगा 30 प्लस 12 दिन आ जाएगा, टोटल जोड़ो कितना दिन आ जाएगा, ये 2, 3, 4, 9, 13, 7, 20, 23, 2 और 182 डेज आ गए। अब 182 डेज को जब हम इसको काटेंगे 7 से तो 7 × 14, 4 × 18, 7 × 42, मतलब 26 क्या आ गया, बी का गया। अगर 26 बी का गया तो 12 जुलाई को क्या था, रविवार था, 12 जनवरी को रविवार था, तो 12 जुलाई को भी क्या होगा, संडे ही होगा, रविवार ही होगा, क्यों, क्योंकि लीप ईयर हमने माना था। तो 12 जुलाई का दिन जो क्या होगा, अभी क्या होगा, रविवार ही होगा, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी के बाद आते हैं 21 में, 20 के बाद 21 में, 21 भी पैसेज है, ट्वेंटी फर्स्ट के बाद 22 में, 22 भी पैसेज है, 23 भी पैसेज रही, 24 भी पैसेज सही है, 25, 26 ये सब पैसेज ही है, 27, 28 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 28 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 28 के क्वेश्चन में कह रहा है चार संख्याएं पी क्यू आर और एस के संबंध में दो कथन S1 और S2 उनके उपरांत प्रश्न दिए गए, तब इसी को हमें क्या करना है, इसी को पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद हमें क्या देना है, स्टेटमेंट देना है। S1 जो है कह रहा है R जो है P और Q से बड़ा है, S सबसे बड़ा नहीं है, तो चार संख्याओं पी क्यू और आर में कौन सा सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है। चलो देखो लगाओ, पहला स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है, पहला स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है यहाँ पे S1 जो वाला दिया हुआ है फ्रॉम S1 से, अगर हम S1 से लेंगे तो इसमें कह रहा है R ग्रेटर देन P, R जो है P और Q से बड़ा है तो R ग्रेटर देन P हो जाएगा एंड क्यू हो जाएगा। जब हम S2 से लेंगे तो वहाँ से देखेंगे R ग्रेटर देन क्या है, S,
एस इज़ नॉट लार्जेस्ट, लेकिन आर ग्रेटर देन एस बट एस जो है सबसे बड़ा, एस जो है सबसे बड़ा नहीं है, ये भी तो कह रहा है। अब यहाँ से हुआ, जब दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे एस वन और एस टू को, एस वन एंड एस टू को दोनों को मर्ज करेंगे, तो मर्ज करने के बाद हमारा क्या आएगा, आर ग्रेटर देन पी और क्यू एंड एस, ये आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आर सबसे क्या हो जाएगा, ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो दोनों स्टूडेंट्स हमें हमारे आंसर बताने के लिए क्या है, सफिशियंट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कथन वन और कथन टू एक दूसरे के साथ पर्याप्त, किंतु एस वन एस टू अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, आंसर इससे हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, सी। 28 के बाद 29 आता है, 29 इधर है, चलो 29 पढ़ो और 29 का स्टेटमेंट का आंसर दो, ठीक है। दोनों कथन एस वन और एस टू के उपरांत दिए हुए, एन एक अभाज्य संख्या है, एन क्या है, एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद कह रहा है एन को चार से विभाजित करने पर शेषफल एक आता है, करो बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो अगर हम इसका करते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं एस वन वाला, तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं, जब इसको हम क्या माने, प्राइम नंबर मान लेते हैं, और प्राइम नंबर हमें कहाँ से कहाँ मानना है, 10 और 20 के बीच मानना है, 10 और 20 के बीच में, तो n क्या हो सकता है, 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 एंड 20 के बिटवीन में, तो 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, यही तो हमारा प्राइम नंबर होगा। जब इन सभी प्राइम नंबर को किस चार से विभाजित करते हैं तो शेषफल आता है एक, हैं तो रिमाइंडर, लेकिन डिवाइड जब करते चार से, तो 13 और 17 को करते चार, 13 12 और चार चौक 16, इसमें रिमाइंडर कितना रहा, एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, और इसमें कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, चार चौक 16, चार दुनिया 8, 3 11, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कह रहा है कि क्या एस वन अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं। क्या एस टू अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं। दोनों कथन एस वन एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु एस वन एस टू अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, एस वन और एस टू एक साथ पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो हमारा एस वन एस टू से कहते, क्योंकि इसका आंसर अगर 3 ना आता होता, इसका भी आंसर कितना आता, रिमाइंडर 1 आता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, सी सही होता, लेकिन यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाता है, 28 का, 29 का डी सही होता, 29 के बाद आता है 30 देख, 30 में कह रहा है दो संख्याओं के संबंध में दो कथन एस वन एस टू के निश्चित के उपरांत का एक प्रश्न दिया गया है, एस वन उनका गुणनफल 21 है, एस टू उनका योग क्या है, 10 है, वह दोनों संख्याएं क्या हैं। अब देखो पता हो जाना चाहिए कि इस तरह से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कितना क्वेश्चन पूछा गया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है उनका गुणनफल 21 हो, एस वन पहले के स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे, अगर एस वन देखें 21 क्या होगा, गुणनफल 21 और 21 का हो जाएगा 21, उसके बाद कितना होगा, 7 और 3 का हो जाएगा या 3 और 7 का हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई पहले वाले से, लेकिन उनका सम कितना आना चाहिए, 10। एस टू के स्टेटमेंट देखेंगे, 1 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, वह दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं, 3 और 7 हो सकती है कि नहीं, 10, गुणनफल 21, तो दोनों कथन क्या है, पर्याप्त है, किंतु एस वन और ना ही अकेले एस टू उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो इसलिए हमें दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उनका गुणनफल कितना है, 21, और योगफल कितना है, 10, तो 7 और 3 का जब हम गुणनफल करते हैं मल्टीप्लाई तो 21 आ जाता है, ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 21, तो इसलिए हमें एस वन और एस टू दोनों स्टेटमेंट हमें चाहिए, ठीक। 30 के बाद आता है 31, 30 के बाद 31,
31 में देखो, कह रहा कि एक व्यक्ति अपने घर से पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने में मुड़ के 50 मीटर चलता है। चलो देखो, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिनी में मुड़कर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर हो तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखो उसका घर है ये, उसके घर का मुख किधर कर दिया, ईस्ट कर दिया, तो घर के पीछे से चलता है, तो घर के पीछे से 25 मीटर चलता है, क्या हो रहा है ये, इसको 25 मीटर हमने चला दिया, इसको 25 मीटर, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाहिनी ओर मिलकर 50 मीटर चला दिया, फिर वह बाई ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, 25 मीटर, यदि उसके घर से उसका मुख पूर्व हो तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, चला यहीं से था, किस दिशा में, ये दिशा क्या है, ये दिशा क्या होगा, नॉर्थ, क्या होगा नॉर्थ, ये क्या होगा साउथ, ये क्या होगा ईस्ट, तो ये क्या होगा वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन क्या होगा, आपका नंबर क्या होगा, डी, उत्तर पश्चिम। ये आसान था, इसमें कुछ था नहीं, हलवा वाला क्वेश्चन था, इसको उड़ा दो सब लोग। अगला देखो, 31 के बाद 32, नीचे दिए गए दो कथनों में जिस निष्कर्ष कल सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, अगर सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं तो सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो निष्कर्ष क्या निकालता है, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी, क्योंकि 2-3 का मल्टीप्लाई क्या है 6, निष्कर्ष सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी, नहीं, हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा, जो संख्याएं सपोज देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है सभी संख्याएं, मान लो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य, तो जो संख्याएं 2 से कट रही हैं, जो संख्याएं 3 से कट रही हैं, वो इसका क्या होगा, HCF होगा, तो 2 3 6, HCF कितना आएगा, 6 आएगा। अगर सभी संख्याएं HCF, तो पहला निष्कर्ष हमारा जो निकल रहा है, पहला निष्कर्ष सभी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी, सही है, जो इनका HCF होगा, HCF कितना 6, अब जितनी भी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी वो 2 और 3 से विभाज्य होंगी, तो सभी संख्याएं 4 से विभाज्य, देखो 4 से विभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि 4 6 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो ऊपर नहीं होंगे निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, हाँ केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो आंसर इज़ दैट वन, ठीक है। तो 32 के बाद हमारा 33 देखो, नीचे दिए गए दो कथनों में जिनके बाद दो निष्कर्ष निकलते हैं, देखो सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कैट डॉग, और सभी बिल्लियाँ काली हैं, सभी बिल्लियाँ क्या हैं, ब्लैक भी कर लो, काली, निष्कर्ष निकलता है सभी कुत्ते काले हैं, सभी कुत्ते तो काले नहीं हैं यार, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, कुछ है कुछ नहीं है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, केवल दो, आंसर इज़ दैट बी, ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, बी निकल के आ रहा है। 33 के बाद 34 में देखो, निम्नलिखित संख्याओं का अनुक्रम पर विचार कीजिए, 5 6 इतना, यह पैटर्न है, इस पैटर्न को देखो, ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं आती हैं, कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं आती हैं, देखो एक क्या है विषम संख्या है, 5 क्या है विषम संख्या है, उसके बाद भी विषम आया है, 7 क्या है विषम संख्या है, उसके बाद भी विषम आया है, 3 क्या है विषम संख्या है, उसके बाद भी विषम आया है, 5 क्या है विषम संख्या है, उसके बाद भी विषम आया है, 3 क्या है विषम संख्या है, उसके बाद भी विषम आया, 1 क्या है विषम संख्या, उसके बाद भी विषम आया है, ठीक है, 5 विषम ये नहीं है, उसको हटाओ, कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आया है, 1 2 3 4 5 6, आंसर इज़ दैट 6, ठीक है, आंसर क्या होगा 6, 34, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जो कम समय में 34 के बाद 35 आते हैं,
लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और बी जो है दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जी ए की दाईं ओर 11वें और बी से 3रे स्थान पर छोर पर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? पंक्ति में कितने लड़के हैं? टोटल नंबर आप लड़के बता दो। चलो इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क में कर लेना 37 क्वेश्चन और उसके बाद बताते हैं अगला, ठीक है। थैंक यू।